टाटा आईपीएल 2023 का 68वां महामुकाबला यानी कि मैच नंबर 68 कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जाएगा 20 मई 2023 सैटरडे को। अब शनिवार को डबल हेडर होने वाला यह दिन का दूसरा मैच है, इस वजह से अपने मेन टाइम शाम को 7:30 बजे से ये मैच स्टार्ट होने वाला है, जहां ये मैच केकेआर के होम ग्राउंड यानी कि कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा। अब यह मैच दोनों ही टीमों के लिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आईपीएल 2023 के लीग स्टेज में इन दोनों ही टीमों का ये आखिरी मुकाबला है, जहां लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अब तक अपने 13 मुकाबले खेल चुकी है और इस टीम को 7 मैचों में शानदार जीत मिली है, जबकि मात्र 5 ही मुकाबला ये टीम हारी है और एक मैच नो रिजल्ट रहा है। इस टीम के पास फिलहाल 15 अंक हैं। तो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम फिलहाल तीसरे स्थान पर है, तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 7वें स्थान पर मौजूद है अंकित तालिका में, जहां ये टीम भी अपने 13 मुकाबले खेल चुकी है। इस टीम को 6 मैचों में जीत मिली है और 7 मैचों में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस टीम के पास टोटल 12 अंक है। जहां एक तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है, ये टीम अभी भी प्लेऑफ की रेस में जीवित है, लेकिन इस टीम के चांसेस काफी ज्यादा कम बचे हुए हैं। अगर केकेआर की टीम यह मुकाबला हारती है तो आईपीएल 2023 से बाहर हो जाएगी, पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगी। लेकिन केकेआर की टीम को प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए सबसे पहले तो यह मुकाबला जीतना होगा काफी बड़े अंतर से, क्योंकि नेट रन रेट इनका काफी ज्यादा माइनस में है। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को यह मुकाबला जीतना होगा 103 रन के बड़े अंतर से कम या फिर 9 ओवर के अंदर ही मुकाबला जीते। अगर ऐसा केकेआर की टीम करती है फिर भी यह टीम डायरेक्ट प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। उसके बाद इस टीम को दुआ करना होगा कि मुंबई इंडियंस और आरसीबी ये दोनों टीम अपना आखिरी मुकाबला हारे। तो केकेआर के लिए सिनेरियो काफी ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए काफी आसान दिखाई दे रहा है, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम प्लेऑफ की रेस में पूरी तरह से बनी हुई है। लखनऊ सुपर जायंट्स अगर ये मुकाबला जीतती है तो डायरेक्ट प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर, लेकिन बाय चांस अगर लखनऊ सुपर जायंट्स ये मुकाबला हार जाती है तब भी ये टीम प्लेऑफ की रेस में बनी रहेगी, लेकिन फिर इस टीम को दूसरी टीम पर डिपेंड रहना पड़ेगा। ऐसे में ये टीम फिर आरसीबी, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स पर डिपेंड रहेगी। अब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम फिलहाल शानदार फॉर्म में चल रही है, टीम पिछले 2 मुकाबला बैक टू बैक जीत कर आ रही है मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। ये मुकाबला अगर जीती एलएसजी तो इनकी ये लगातार हैट्रिक जीत होगी। तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है, जो अपना लास्ट मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स जैसी मजबूत टीम के खिलाफ जीत कर आ रही है, वो भी 6 विकेट के बड़े अंतर से, तो इनके भी हौसले काफी बुलंद होंगे। अब इस वीडियो में आगे इस मुकाबले की मैच प्रीव्यू, पिच रिपोर्ट्स, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, जबकि दोनों टीमों के कंफर्म प्लेइंग 11 इंपैक्ट प्लेयर्स और इस मैच की मैच फिन प्रेडिक्शन की बात करने वाले कि आखिर ये मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है। वर्सेस एलएसजी के बीच ये मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा और इस मैदान पर अब तक आईपीएल 2023 में टोटल 6 आईपीएल मुकाबले खेले गए, जिसके शुरुआती 3 मैचों में डिफेंड करने वाली टीम ने मुकाबला जीता था, पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने मैच जीता था, उसके बाद आखिरी के 3 मैचों में चेस करने वाली टीम ने मुकाबले जीते हैं। जहां केकेआर की टीम ने अपने होम ग्राउंड पर जो 6 आईपीएल मुकाबले खेले, इस टीम को मात्र 2 ही मैचों में जीत मिली है और 4 मैचों में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अब कोलकाता की ये पिच एक प्रॉपर बल्लेबाजी पिच के लिए जानी जाती है, बल्लेबाजी करना इस मैदान पर काफी आसान रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत तेज गेंदबाज और स्पिनर्स को भी मदद मिलता है। आपको बता दें कि पिछले 5 आईपीएल मैच जो इस मैदान पर खेले गए, इस मैदान का एवरेज स्कोर इस साल आईपीएल 2023 में 187 रन रहा है, तो इस मैच में भी हमें हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि पिछले 5 आईपीएल मैच में इस मैदान पर तेज गेंदबाजों ने 28 विकेट छटकाए, तो वहीं स्पिनर्स को 24 विकेट मिले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में, तो केकेआर वर्सेस एलएसजी के बीच अब तक आईपीएल के इतिहास में मात्र 2 ही मुकाबले खेले गए हैं और सबसे बड़ी बात देखने को मिली कि 2 के दोनों ही मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को शानदार जीत मिली है। केकेआर अभी तक खाता तक नहीं खोल पाई है लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ। अगर ये मैच लखनऊ सुपर जायंट्स जीतती है तो इनकी शुरुआती लगातार हैट्रिक जीत होगी केकेआर के खिलाफ। अब बात करें इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट्स और कंडीशन के बारे में, तो कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में अब तक आईपीएल के इतिहास में टोटल 85 आईपीएल मुकाबले खेले गए हैं, पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी करने वाली टीम को 35 मैचों में जीत मिली है, चेस करने वाली टीम को 50 मैचों में शानदार जीत मिली है। इस मैदान का ओवरऑल एवरेज स्कोर 164 रन है, इस मैदान का सबसे हाईएस्ट 235 रन है जो कि सीएसके ने बनाया था और इस मैदान का सबसे लोवेस्ट 49 रन है जो कि आरसीबी की टीम ऑल आउट हो गई थी। अब बात करें इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11, तो कुछ इस तरह से होगी केकेआर की प्लेइंग 11 एज ओपनर नंबर 1 पर जिसन जुआ, नंबर 2 पर रहमानुल्लाह गुरबाज विकेट कीपर,
पर बैट्समैन, ये दोनों ही करेंगे ओपनिंग की बल्लेबाजी। नंबर 3 पर वेंकटेश अय्यर होंगे, जबकि नंबर 4 पर कप्तान नीतीश राणा, नंबर 5 पर होंगे रिंकू सिंह जो शानदार गजब के फॉर्म में चल रहे हैं, नंबर 6 पर आंद्रे रसेल जबरदस्त ऑलराउंडर, नंबर 7 पर सुनील नारायण, नंबर 8 पर शार्दुल ठाकुर, नंबर 9 हर्षित राणा, नंबर 10 पर विभव अरोरा और नंबर 11 पर होंगे वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर। तो ये केकेआर की प्लेइंग 11 इस मुकाबले के लिए, जहां ये टीम गेंदबाजी के समय श्रेयस शर्मा को एज इंपैक्ट प्लेयर चूज करने वाली है। अब बात करें इस मैच के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11, तो सलामी जोड़ी के तौर पर नंबर 1 पर होंगे क्विंटम डिकॉक जबरदस्त विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज, जबकि नंबर 2 पर होंगे दीपक हुड्डा, जबकि नंबर 3 पर होंगे प्रेरक माकड, नंबर 4 पर मार्कस स्टोनिस बेहतरीन ऑलराउंडर, नंबर 5 पर निकोलस पुरन, तो वही नंबर 6 पर होंगे आयुष पदोनी, नंबर 7 पर कुणाल पांड्या बेहतरीन ऑलराउंडर और कप्तान, नंबर 8 पर नवीन उल हक, नंबर 9 पर रवि बिश्नोई, नंबर 10 पर स्वप्निल सिंह या फिर अमित मिश्रा, इन दो में से किसी एक को खिलाया जाएगा। तो वही नंबर 11 पर होंगे मोहसिन खान बेहतरीन गेंदबाज पिछले मुकाबले के हीरो। तो ये रही लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11, जहां ये टीम एज इंपैक्ट प्लेयर गेंदबाजी के समय यश ठाकुर को यूज करने वाली है। अब बात करें इस मुकाबले की मैच फिन प्रेडिक्शन के बारे में, आखिर ये मुकाबला कौन सी टीम जीत सकती है, तो इस मैच को लेकर हमारे प्रेडिक्शन ये कि ये मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम जीत सकती है। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, जो सच या फिर गलत दोनों हो सकता है। आपको ये मुकाबला कौन सी टीम जीतने